नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज़ में। लाल कुआं के एक होटल में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतक हेमा देवी और पान सिंह अधिकारी पति पत्नी के रूप में 16 जुलाई की रात्रि को होटल में रुके थे, जहां हेमा देवी और अभियुक्त के अनुसार दोनों ने अत्यधिक शराब का सेवन किया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद अभियुक्त ने हेमा देवी की लात घूसों से पिटाई करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं दीपक अधिकारी की इस रिपोर्ट में। 18 जुलाई की सुबह लालकुआ कोतवाली को सूचना मिली कि होटल नरूला में एक महिला की उसका शव मिला है। इस सूचना पुलिस मौके पर गई, सबको कब्जे में लिया गया और जो अग्रिम विधिक कार्रवाइयाँ थी पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका के जो पति को सूचना दी गई, उनकी सूचना के आधार पर कोतवाली लालकुआ में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें होटल में जो उनके साथ रह रहे थे पान सिंह अधिकारी, उनको हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद और पुलिस के तमाम तफ्तीश के बाद ये पता चला कि 16 तारीख की रात को हरेले के दिन ये महिला अपने घर से निकली थी मायके जाने को कह के, और पान सिंह अधिकारी के साथ इस होटल में आकर रुक गई। दो दिन वो लोग वहाँ पर रुके रहे, उनके द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन किया गया और किसी कारणवश आपस में दोनों की मारपीट हुई है। उसी लड़ाई झगड़े के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे धारा 302 IPC में पान सिंह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया और जो प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे पान सिंह को गिरफ्तार करने के बाद आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, क्या कारण रहा, कुछ बातचीत उसने बताया पूछताछ में? ये दोनों पहले से परिचित थे और उस दिन रुकने के लिए होटल नरूला में आए थे। होटल में इनके द्वारा शराब पी गई और उसके बाद उस महिला के द्वारा दबाव दिया गया कि आप उससे शादी कर लो। इसी बात को लेकर दोनों में के बीच में लड़ाई हुई और इसमें जो अभियुक्त था उसके द्वारा उसको मार दिया गया। सर,